हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू ट्वेल्थ क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 8, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 36 तक देख लिए थे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, अब जल्दी जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। चलो, अंजू मंजू एंड संजू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तो यहाँ पर तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। ऑन 31 मार्च 2021 देयर बैलेंस शीट वॉज, अब बैलेंस शीट में देखो जल्दी से क्या क्या दिया है। लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स, बैंक लोन, एम्प्लॉयज, प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो ऐसा कमीशन हमें मिल गया है, ठीक है, ऐसा पैसा दे दिया गया है जिसके अगेंस्ट अभी हमने सर्विसेज नहीं दी हैं और ना ही अब हम दे पाएंगे, तो ये भी एक तरह से हमारी लायबिलिटी हो गई जो हमें वापस करना पड़ेगा, ठीक है। असेट साइड पर देखो कैश, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कचरा आइटम, जो आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ करना पड़ेगा। लायबिलिटी साइड पे और तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स भी दिए हुए हैं। चलिए आगे क्या बोला है, ऑन दिस डेट द फर्म वॉज डिजॉल्व, अ फर्म डिजॉल्व होने जा रही है। अंजू को अपॉइंट किया गया है टू रियलाइज द असेट्स एंड अंजू वॉज टू रिसीव 5% कमीशन ऑन द सेल ऑफ असेट्स एक्सेप्ट कैश। तो अब बाकी के जो भी असेट्स रियलाइज होने हैं, ठीक है, जो बेचे जाएंगे, सेल होगी जिनकी, तो जितनी भी वैल्यू पे सेल होगी असेट्स की, उसका 5% कमीशन अंजू को दिया जाएगा, ऐसा इनके आपस में अग्रीमेंट हुआ है। एंड वॉज टू बेयर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, और कहा गया है अंजू को कि तुम्हें जितने भी खर्चे हैं रियलाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है, वो आपको ही बेयर करना है। मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर होते हैं तो वो फर्म बेयर नहीं करेगी, इसलिए हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का खर्चा रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि वो अंजू को बेयर करना है। अंजू रियलाइज द असेट्स एज फॉलोज, डेटर्स 60,000, स्टॉक 35,500, इन्वेस्टमेंट 16,000, प्लांट 90% ऑफ द बुक वैल्यू, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 7,500। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 7,500 के हुए, ये हमें नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि अंजू बियर करने वाले हैं, इसलिए हमारा खर्चा नहीं होगा। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस वॉज रिटर्न टू कस्टमर आफ्टर डिडक्टिंग 3,000। तो कमीशन जो था वो 3,000 हमने डिडक्ट करके रिमेनिंग जो था वो पूरा वापस कस्टमर को लौटा दिया। फर्म हैड टू पे 8,500 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉट प्रोवाइडेड फॉर अर्लियर, कॉम्पेंसेशन पेड टू एम्प्लॉयज अमाउंटेड टू 17,000, दिस लायबिलिटी वॉज नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन अबव बैलेंस शीट, 20,000 हैड टू बी पेड फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर एंड कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें तीन अकाउंट बनाने हैं। चलो जल्दी से आ जाते हैं, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में स्टेप वन करते हैं, जहाँ असेट्स और लाइबिलिटीज़ को ले जाकर मारेंगे। तो कैश ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में, इसको तो रियलाइज कर नहीं सकते। डेटर्स 75,000 एंड स्टॉक 40,000, तो टू डेटर्स अकाउंट 75,000, टू स्टॉक अकाउंट 40,000। नेक्स्ट इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स 20,000, प्लांट 50,000, टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 20,000, टू प्लांट अकाउंट 50,000, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो असेट साइड पे हमने सारी चीज़ें जो रियलाइज हो सकती थी मार दी। अब आ जाते हैं लाइबिलिटी साइड पे, तो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ क्या क्या है, क्रेडिटर्स 50,000, बैंक लोन 35,000, बाय क्रेडिटर्स 50,000, बाय बैंक लोन अकाउंट 30,000, ठीक है 35,000, ओके, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 15,000, तो ये आपका 35,000 है एंड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड भी आपकी आउटसाइड लायबिलिटी है जो एम्प्लॉयज को पे ऑफ करना है 15,000, तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अकाउंट 15,000 हो गया। इसके अलावा और क्या क्या है, देखो
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यस, तो असेट से रिलेटेड, जिसको असेट को हमने मारा है उससे रिलेटेड रिजर्व है तो इसको भी मारना पड़ेगा 10,000 बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 8,000 बाय कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 10,000। तो इस तरह से आपका पूरा असेट्स और लाइबिलिटीज स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होता है, जहां पर आपने असेट्स और लाइबिलिटी को ले जाकर मार दिया। अब आते हैं सेकेंड स्टेप पे, जहां पे रियलाइजेशन होगा। तो अंजू रियलाइज करेगी जितने भी असेट्स जितने में भी सेल होंगे उसका 5% कमीशन अंजू को मिलेगा। ठीक है, तो अंजू को हम जो कमीशन देंगे वो हमारे लिए खर्चा है, तो खर्चा अकाउंट डेबिट, तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिख देंगे 2 अंजूस कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन। ठीक है, तो वो अभी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि सबसे पहले हमें निकालना होगा कि कितने में असेट सेल हुए हैं। ठीक है, तो ये हम अभी होल्ड पे रख रहे हैं। अंजू रियलाइज द असेट्स एज फॉलोज। अब जो रियलाइजेशन हुआ है असेट्स का वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में कैश दिया है इसलिए सारे ट्रांजैक्शंस हम कैश में ही करेंगे। तो बाय कैश अकाउंट असेट्स रियलाइज्ड 60,000 स्टॉक 35,500 डेटर्स 60,000 स्टॉक 35,500 इन्वेस्टमेंट्स 16,000 इन्वेस्टमेंट्स 16,000 एंड प्लांट का क्या बोला गया है 90% ऑफ द बुक वैल्यू। तो प्लांट सिर्फ 90% में ही बिक पाया है। तो देखो प्लांट की वैल्यू क्या थी 50,000, तो 50,000 का 90% करो मतलब प्लांट जो है आपका 45,000 में सेल हुआ है, रियलाइज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद और क्या दिया हुआ है, बस एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 7,500। तो ये अंजू को ही बेयर करना है, अंजू वॉज टू बेयर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, इसलिए इससे हमें मतलब नहीं है, इस खर्चे को हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस वॉज रिटर्न टू कस्टमर आफ्टर डिडक्टिंग 3,000। चलो अब लाइबिलिटीज पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 कैश अकाउंट लाइबिलिटीज पेड। ठीक है, तो जो कमीशन हमें रिसीव हुआ है एडवांस में उसको हम पे ऑफ कर रहे हैं, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो क्या बोल रहे हैं, जितना कमीशन था 8,000 उसमें से 3,000 डिडक्ट करके पे कर रहे हैं, तो फिर हम सिर्फ अब सिर्फ कितना 5,000 ही पे करेंगे। तो 8,000 की लाइबिलिटी को हम पे कर रहे हैं 5,000 में, सेटल कर रहे हैं 5,000 में। नेक्स्ट, फर्म हैड टू पे 8,500 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉट प्रोवाइडेड फॉर अर्लियर। तो हमने अपनी बुक्स में ये लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करी है लेकिन ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, किस चीज़ की, आउटस्टैंडिंग सैलरी से रिलेटेड, तो ये हमें पे करनी पड़ेगी। तो इस अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को भी डायरेक्टली हम कहाँ से रूट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट से ही। तो 8,500 की आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करनी है। नेक्स्ट, कॉम्पनसेशन पे करना है एम्प्लॉयज़ को 17,000, ये भी हमने बुक्स में इसका कोई फंड नहीं बना के रखा है निपटने के लिए, तो डायरेक्टली हम खर्चा बुक करेंगे और खर्चा भी डायरेक्टली रियलाइजेशन अकाउंट से ही करेंगे। तो कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़
17,000। नेक्स्ट इसके बाद क्या दिया हुआ है, लाइबिलिटी वॉज नॉट प्रोवाइडेड इन द बैलेंस शीट, ठीक है। 20,000 हैड टू बी पेड फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, 20,000 ईपीएफ के लिए हमें पे करना है, तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड हम 20,000 पे कर रहे हैं, ठीक है। 15,000 का पे करना था लाइबिलिटी, उसकी जगह में 20,000 पे करना है। बाकी अब देखो क्वेश्चन में और आउटसाइड लाइबिलिटी से रिलेटेड और कोई भी नहीं दिया हुआ है, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है, लेकिन हमें यह चेक करना है क्या हमने आउटसाइड लाइबिलिटी सारी डिस्चार्ज कर दी है। तो क्लियरली आप देख सकते हो क्रेडिटर्स और बैंक लोन, ये आपके इसके बारे में आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन भले ही नहीं दिया हो आउटसाइड लाइबिलिटीज तो सारी पे करनी ही पड़ेगी। तो अभी हम बुक वैल्यू पे मान लेंगे, क्रेडिटर्स को 50,000 देना था तो उतना हमने पे कर दिया, एंड बैंक लोन हमें चुकाना है वो भी हमने पूरा डिस्चार्ज कर दिया, पूरा रीपे कर दिया, कितना 35,000 का। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड हमने दे ही दिया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये आपका कुछ भी आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं होती, इट इज जस्ट अ रिजर्व जो गुल्लक हमने बनाई है इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन से निपटने के लिए। एंड कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, यस, तो ये भी आपकी आउटसाइड लाइबिलिटी थी, इसको भी आपने रीपे कर दिया है। तो आउटसाइड लाइबिलिटीज भी आपकी सारी डिस्चार्ज हो चुकी हैं। चलिए, तो सारे एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं रियलाइजेशन के, अब हमें एंड में हम निकाल लेते हैं कि अंजू को कमीशन कितना मिलेगा। तो क्या बोला गया है कि 5% कमीशन देंगे अंजू को ऑन द सेल ऑफ असेट्स। तो चलो असेट्स कितने में सेल हुए वो देख लेते हैं, 60,000 प्लस 35,500 प्लस 16,000 प्लस 45,000, तो ये हो गया 156,500। तो अंजू ने सेल करवाई है 156,500 की, तो कमीशन हो जाएगा 156,500 पे 5%, दैट इज 7825। तो 7825 का कमीशन हम अंजू को देंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एंड लाइबिलिटीज को कितने में पे किया टोटल, 5000 प्लस 8500 प्लस 17000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 प्लस 35,000, तो ये हो गया आपका 135,500, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बस हम क्लोज कर लेते हैं अपना रियलाइजेशन अकाउंट और हम निकाल लेते हैं कि हमारा गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं कितना आ रहा है, 75,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 प्लस 7825 प्लस 135,500, यह आपका हो गया टोटल 3,28,325। इसमें से माइनस करो क्रेडिट साइड, माइनस 50,000 माइनस 35,000 माइनस 15,000 माइनस 10,000 माइनस 8,000 माइनस 156,500, तो आपका कितना बच रहा है यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, 53,825। तो क्लियरली डेबिट साइड इज ग्रेटर, इसलिए आपका क्या हो गया, लॉस हुआ है। तो बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू, ठीक है। तो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम भेज देंगे अंजू मंजू संजू 2:2:1 के रेशो में। तो यहां पर लिख लेते हैं अंजू, अंजूस कैपिटल अकाउंट, मंजूस कैपिटल अकाउंट, एंड संजूस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 2:2:1 के रेशियो में। तो कितना हो जाएगा ये, 21,530 और ये हो जाएगा 10,765। तो ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट पूरी तरह से कंप्लीट। इसमें देख लो, कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, क्लियर हो गया, बढ़े आगे। चलिए तो यहाँ पे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, अंजू मंजू एंड संजू,
चलिए तो सबसे पहले लिख लेते हैं तीनों पार्टनर्स के ओपनिंग बैलेंसेस। तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन तीनों पार्टनर्स का कितना हो गया, देखो ध्यान से, 50,000, 50,000 एंड 30,000। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 50,000, 50,000 एंड 30,000। चलो अब एक बार बैलेंस शीट के सारे एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। तो लायबिलिटी साइड से तो अब कुछ भी नहीं बचा है, असेट साइड से देख लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कचरा आइटम को हम राइट ऑफ कर देंगे 2:2:1 के रेशियो में। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो 3,000 को 2:2:1 के रेशियो में बांटो कितना हो जाएगा, 1,200 एंड 600, ठीक है। तो ये आपका बैलेंस शीट के एडजस्टमेंट्स हो गए जो कैपिटल अकाउंट में इम्पैक्ट डालना था। अब आ जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आपका लॉस ऑन रियलाइजेशन तीनों पार्टनर्स में दे देते हैं 21,530 एंड 10,765। तो ये हो जाएगा आपका 2 रियलाइजेशन अकाउंट। लॉस ऑन रियलाइजेशन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखो और क्या है, अंजू को 7,825 देना है उसका कमीशन। तो अंजू का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे इतने से बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे कमीशन, ठीक है। तो सारे एडजस्टमेंट्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड भी हो गए। अब जल्दी से इसको क्लोज कर लेते हैं और अमाउंट ड्यू ऑन कैपिटल हम निकाल लेते हैं। चलिए तो अंजू को 50,000 कैपिटल का देना था प्लस 7,825 का कमीशन देना था, तो टोटल 57,825 हमें देना था, माइनस 1,200 का प्रॉफिट एंड लॉस का जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस था वो हम माइनस कर लेंगे, एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन 21,530। तो टोटल हमें नेट देना है अंजू को 35,095। तो इतना उसको हम पे ऑफ कर देंगे किससे, कैश से, टू कैश अकाउंट। ये हो जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। बैलेंस शीट में क्योंकि कैश ही अकाउंट दिया हुआ है इसलिए हम पेमेंट और सारे ट्रांजैक्शंस कैश से ही करेंगे। चलिए मंजू को 50,000 देना था टोटल, 50,000 में से 1,200 तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज राइट ऑफ कर दिए, माइनस 21,530 का लॉस ऑन रियलाइजेशन हुआ, तो नेट हमें देना है 27,270। इसी तरह से संजू को टोटल 30,000 देना था, 30,000 में से अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस 600 राइट ऑफ किया एंड 10,765 का रियलाइजेशन लॉस हुआ, तो हमें टोटल देना है 18,635, ठीक है। ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट। तो इसमें बस इतने से ही एडजस्टमेंट्स थे, एक बार देख लेते हैं। 21,530 ये आपका आ जाएगा फाइनल पेमेंट अंजू को 35,095, मंजू को 27,270 एंड संजू को 18,635। तो बिल्कुल परफेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमारा बन चुका है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट कैश अकाउंट बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं कि कितना हमारे पास कैश पड़ा हुआ था। तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना कैश था, देखो 60,000, तो 60,000 का कैश था, चलिए तो 60,000 का कैश था, और असेट्स को बेचकर कितना कैश मिला, 1,56,500 आपको कैश और मिला। तो ये हो जाएगा आपका 2 रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे असेट्स रियलाइज्ड, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद पेमेंट्स क्या क्या हुए, देखो ध्यान से, पेमेंट्स ये पूरी लाइबिलिटीज पे ऑफ हुए 1,35,500 की, तो 1,35,500 की लाइबिलिटीज पे हुई हैं।
यहाँ पर लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, लायबिलिटीज पेड, ठीक है। एंड आपके नेक्स्ट पार्टनर्स को आपने दिया है 35095, 27270 एंड 18635। तो यहां पर लिख लेंगे बाय अंजूस कैपिटल अकाउंट, बाय मंजूस कैपिटल अकाउंट एंड बाय संजूस कैपिटल अकाउंट। तो तीनों पार्टनर्स का जितना अमाउंट ड्यू ऑन कैपिटल आ रहा था वो भी उनको हम वापस लौटा देंगे। चलिए तो अब इस तरह से देख लेते हैं, क्या जितना कैश था उतना हमने पे ऑफ कर दिया। तो 60,000 कैश था प्लस 156,500 हमें और मिला असेट्स को बेच के, तो हमारे पास टोटल 216,500 का कैश पड़ा हुआ था। हमने अब लाइबिलिटीज़ को पे करना स्टार्ट किया, तो माइनस 135,500 की लाइबिलिटीज़ पे कर दी, माइनस 35,095 हमने अपने एक पार्टनर को दिया, माइनस 27,270 दूसरे पार्टनर को एंड माइनस 18,635 तीसरे पार्टनर को। तो इस तरह से आपका बैलेंस ज़ीरो बचा। जितना कैश था आपने पूरा का पूरा पार्टनर्स और सारी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करके ख़त्म कर दिया। तो इस तरह से देखो आपका पूरा डिसोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, क्योंकि आपकी पूरी बैलेंस शीट अब खाली हो चुकी है, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं बचा, सारी चीज़ें आपने ले दे के ख़त्म कर दी हैं। तो ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट, ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये हो गया आपका कैश अकाउंट। तो ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। माला, नीला एंड काला वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:2:1। तो तीन पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2021 वॉज। चलो जल्दी से बैलेंस शीट रिव्यू कर लेते हैं। तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स दिए हैं, क्रेडिटर्स दिए हैं, आउटसाइड लाइबिलिटीज और रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट दिया है। तो बेसिकली क्या हो गया, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक तरह से हो गया, ठीक है। क्या क्या कर रहे हो, असेट में से डेप्रिसिएशन माइनस ना करके आप हर साल डेप्रिसिएशन लगा के उसको अक्यूमुलेट करते जा रहे हो। क्लास 11th याद करने की कोशिश करो, मैंने आपको ये दोनों मेथड्स पढ़ाए थे, ठीक है। चलो तो आप कमेंट करके बताएंगे जिन बच्चों को भी याद है। तो ये लायबिलिटी साइड हो गया, तो ये भी आपका एक तरीके से क्या है, ये असेट से रिलेटेड ही रिजर्व बना हुआ है डेप्रिसिएशन का, तो इसको भी आपको मारना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट में। असेट साइड पे देखो, बिल्डिंग प्लांट गुडविल, 100 शेयर्स इन एक्स लिमिटेड एट कॉस्ट, 1000 शेयर्स इन वाई लिमिटेड। तो बेसिकली ये क्या है, नथिंग बट इन्वेस्टमेंट्स। तो ये आपने दूसरी कंपनी के शेयर्स लेके रखे हुए हैं, तो ये आपके लिए क्या हो जाएंगी, इस फर्म के लिए क्या हो जाएंगी, इन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगी। स्टॉक, डेटर्स, बैंक एंड पेटेंट्स, ठीक है। इट वॉज अग्रीड टू डिजोल्व द पार्टनरशिप एज ऑन 31 मार्च 2021 एंड द टर्म्स ऑफ डिसोल्यूशन वर माला टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट एन अग्रीड अमाउंट ऑफ 31,500, नीला हु वॉज टू कैरी ऑन द बिजनेस टू टेक ओवर द गुडविल। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर फर्म डिजोल्व हो रही है और उसके बाद क्या करेगी, जो नीला अकेली है वो बिजनेस को कैरी ऑन करेगी, ठीक है। तो नीला हु वॉज टू कैरी ऑन द बिजनेस, क्या टेक ओवर कर रही है नीला, गुडविल, स्टॉक, डेटर्स एट अ बुक वैल्यू, द पेटेंट्स एट 30,000 एंड प्लांट एंड 5,000। ही वॉज ऑल्सो टू पे द क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स को भी पे करेंगे नीला, ठीक है। काला टू टेक ओवर शेयर्स इन एक्स लिमिटेड एट 15 ईच, तो काला इन्वेस्टमेंट्स को टेक ओवर कर रहा है एक्स लिमिटेड में, कितना, 15 ईच में। द शेयर्स इन वाई लिमिटेड टू बी डिवाइडेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और जो इन्वेस्टमेंट्स हमारी वाई लिमिटेड में है उसको तीनों पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे, वो लोग उस रेशियो में टेक ओवर करेंगे। शो लेजर अकाउंट्स रिकॉर्डिंग द डिसोल्यूशन इन द बुक्स ऑफ फर्म, तो यहाँ पर भी अगेन कुछ डायरेक्टली नहीं बोला गया है, तो हमें पता है कौन कौन से लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और हमारा कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि बैलेंस शीट में हमें बैंक दिया है, इसलिए हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। समझ में आ गया, चलो सबसे फर्स्ट स्टेप रियलाइजेशन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, सारे असेट्स और लाइबिलिटीज को मारना चालू करेंगे। बिल्डिंग 20,000, प्लांट 31,220, तो बिल्डिंग 20,000, प्लांट 31,220, यहां पे लिख लेंगे टू बिल्डिंग अकाउंट एंड टू प्लांट अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट
गुडविल 10,000, गुडविल 10,000, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट्स में हम बाइफर्केट करके दिखा देते हैं क्या क्या है। देखो 100 शेयर्स इन एक्स लिमिटेड 2,400 एंड 1,000 शेयर्स इन वाई लिमिटेड 10,000। हंड्रेड शेयर्स इन एक्स लिमिटेड 2,400 के एंड 1,000 शेयर्स इन वाई लिमिटेड कितना हो जाएगा, 10,000। चलिए नेक्स्ट, स्टॉक 11,240, टू स्टॉक अकाउंट 11,240 एंड नेक्स्ट इसके बाद क्या है, डेटर्स 8,740, टू डेटर्स अकाउंट 8,740 हो गया एंड बैंक तो आप ऑलरेडी आपका लिक्विड फॉर्म में इसको नहीं करोगे, पेटेंट्स 38,080, तो टू पेटेंट्स अकाउंट। इस तरह से आपने सारे असेट्स को तो ले जाकर मार दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। अब आ जाते हैं लाइबिलिटीज, तो आउटसाइड लाइबिलिटीज क्या क्या है, कैपिटल अकाउंट तो इंटरनल लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स 11,210, तो 11,210 बाय क्रेडिटर्स अकाउंट एंड नेक्स्ट इसके बाद क्या दिया है, 20,000 रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, तो बाय रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट अकाउंट, ठीक है। ये आपने आउटसाइड लाइबिलिटीज भी मार दी, स्टेप नंबर वन कंप्लीट। अब एक एक करके पढ़ते जाते हैं जो भी टर्म्स एंड कंडीशन अग्री हुए हैं और रियलाइज करते जाएंगे असेट्स को और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करते जाएंगे। माला टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट एन अग्रीड अमाउंट ऑफ 31,500, तो चलो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बाय माला'स कैपिटल अकाउंट ठीक है, बिल्डिंग टेक ओवर कर रही है माला कितने में, 31,500। नेक्स्ट क्या बोला गया है, नीला हु वॉज टू कैरी ऑन द बिजनेस टू टेक ओवर द गुडविल ठीक है, तो यहां पर नीला का भी कैपिटल अकाउंट लिख लेते हैं, नीलास कैपिटल अकाउंट, तो यहां पर देखो क्या क्या नीला ने टेक ओवर किया है, गुडविल स्टॉक एंड डेटर्स एट बुक वैल्यू ठीक है, तो गुडविल स्टॉक डेटर्स ये बुक वैल्यू पे ही टेक ओवर किया, तो गुडविल थी 10,000 की, स्टॉक था आपका 11,240 एंड डेटर्स थे 8,740। पेटेंट्स 30,000 में एंड प्लांट 5,000 में, तो पेटेंट्स 30,000 में टेक ओवर किया एंड प्लांट 5,000 में टेक ओवर किया ठीक है। देन ही वॉज ऑल्सो टू पे द क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स को भी नीला ने ही पे किया है, तो यहां पर हम नीलास कैपिटल अकाउंट के थ्रू ये पेमेंट कर देंगे, हमको उनको रिवर्स करना होगा, तो टू नीलास कैपिटल अकाउंट 11,210 क्रेडिटर्स को पे कर दिया उन्होंने, तो फर्म को नीला को पे करना पड़ेगा। चलिए काला टू टेक ओवर शेयर्स इन एक्स लिमिटेड एट 15 ईच, अब काला ने इन्वेस्टमेंट्स को टेक ओवर किया, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बाय कालास कैपिटल अकाउंट ठीक है, तो 1,000 सॉरी 100 शेयर्स
इन एक्स लिमिटेड एट द रेट 15 ईच। ठीक है, तो टोटल काला ने कितने में टेक ओवर किया, 1500 रुपए में इन्वेस्टमेंट्स को टेक ओवर किया, जो एक्स लिमिटेड वाली इन्वेस्टमेंट्स थी। ठीक है, एंड द शेयर्स इन वाई लिमिटेड टू बी डिवाइडेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब वाई लिमिटेड में जो 10,000 की इन्वेस्टमेंट्स थी, ठीक है, 10,000 की इन्वेस्टमेंट्स को हमें तीनों पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1,000 शेयर्स इन वाई लिमिटेड, यहाँ पे अच्छा 1,000 नहीं लिखते, शेयर्स इन वाई लिमिटेड लिख लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। तो शेयर्स इन वाई लिमिटेड तीनों पार्टनर्स को मिलेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, शेयर्स इन वाई लिमिटेड एंड शेयर्स इन वाई लिमिटेड। समझ में आ रहा है हम किस तरह से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं? चलो, तो यहां पर कितना हो जाएगा, देखो किस रेशियो में, 7:2:1। तो 10,000 को आपको 7:2:1 के रेशियो में बांटना है। चलिए, तो यहां पर 7:2:1 कितना हो जाएगा आपका, 7,000 माला को दे देंगे इन्वेस्टमेंट्स, माला टेक ओवर करेगी। ठीक है, देन नेक्स्ट 2,000 नीला टेक ओवर करेगा एंड काला 1,000 टेक ओवर करेगा। इस तरह से ये आपने सारे असेट्स जो हैं सारे पार्टनर्स में पूरा उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। समझ में आ गया? अब हम ये देख लेते हैं कि क्या हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज सारी पे ऑफ हो गई हैं। तो आउटसाइड लाइबिलिटीज सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर्स थी जो नीला ने पे कर दी है ऑलरेडी फर्म के बिहाफ पे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ डिस्चार्ज हो चुका है। अब हम यहाँ पर फाइनली निकाल लेते हैं। तो टोटल माला ने 31,500 प्लस 7,000 के एसेट्स टेक ओवर किए, दैट इज 38,500। नीला ने 10,000 प्लस 11,240 प्लस 8,740 प्लस 30,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000, 66,980 के एसेट्स टेक ओवर किए एंड काला ने 2,500 के एसेट्स टेक ओवर किए। समझ में आ गया इतना? चलिए, अब हम फाइनली निकाल लेते हैं कि हमारा लॉस हुआ है रियलाइजेशन पे या गेन हुआ है रियलाइजेशन पे। ठीक है, तो डेबिट साइड का टोटल लगा लो, 20,000 प्लस 31,220 प्लस 10,000 प्लस 2,400 प्लस 10,000 प्लस 11,240 प्लस 8,740 प्लस 38,080 प्लस 11,210। तो ये हो गया टोटल 1,42,890। ठीक है, माइनस करो 11,210 माइनस 20,000 माइनस 38,500 माइनस 66,980 एंड माइनस 2,500। तो आपका आ जाएगा आंसर 3,700 आपका आ जाएगा बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, क्योंकि डेबिट साइड इज ग्रेटर, तो इसलिए बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आ रहा है ट्रांसफर टू। तो तीनों पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लॉस ट्रांसफर कर देंगे हम। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं क्या रेशियो है इनका, माला नीला एंड काला। तो माला's कैपिटल अकाउंट नीलास कैपिटल अकाउंट एंड कालास कैपिटल अकाउंट कितना हो गया, देखो 3700 को 7:2:1 के रेशियो में क्यों करो 2,590 740 370। ठीक है, तो क्लियर हो गया, लॉस ऑन रियलाइजेशन आपका आ गया 3700। यहाँ पर आपका रियलाइजेशन अकाउंट पूरा कंप्लीट होता है, देख लो, इसमें कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, बढ़े आगे। चलो, तो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, माला
नीला, काला, तो सबसे पहले तीनों के कैपिटल अकाउंट्स का ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। तीनों का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखो 12,410,8650 एंड काला का है 80,620। ठीक है, अब आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। कुछ आइटम्स अगर हमें उनके उसमें राइट ऑफ करने हो तो यहाँ लायबिलिटी साइड पे तो कुछ भी नहीं है, असेट साइड पे भी कुछ नहीं है, डायरेक्टली आ जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट पे। चलिए, तो यहाँ पर माला ने टोटल कितने असेट्स टेक ओवर किए, 38,500, तो वो उसके कैपिटल अकाउंट से हम रिकवर करेंगे 2 रियलाइजेशन अकाउंट असेट्स टेकन ओवर। चलिए, नीला ने टोटल कितने असेट्स टेक ओवर किए, 66,980 के, एंड काला ने टोटल 2,500 के। ठीक है, इसके अलावा लॉस ऑन रियलाइजेशन तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट होगा 2,590, 2,590, 740 एंड 370। तो यहां पर हम लिख देंगे 2 रियलाइजेशन अकाउंट लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, अब और देखो क्या बच रहा है। यहां पर नीला ने क्रेडिटर्स को पे किया 11,210 में, तो वो हमें रीइंबर्स करना पड़ेगा, तो 11,210 यहां पर लिख लेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर्स को पे किया है। ठीक है, इस तरह से सारे एडजस्टमेंट्स हमने पार्टनर्स के यहां पर ले चुके हैं। अब हमें सीधे निकालना है कि उनका अमाउंट ड्यू ऑन कैपिटल कितना बन रहा है। ध्यान से माला का देखो आप, अगर तो डेबिट साइड इज ग्रेटर। ठीक है, हमें माला से लेना है कितना, 38,500, उसने असेट 38,500 के लिए है, तो उससे हमें उतना पैसा लेना होगा, प्लस 2,590 का लॉस ऑन रियलाइजेशन हुआ, तो टोटल हमें उससे 41,090 लेना है। लेकिन उसको देना कितना है, उसका कैपिटल देना है 12,410 जो उसने कैपिटल पूंजी अपनी इंट्रोड्यूस की थी, तो नेट माला से हमें कितना लेना है वो आ जाएगा 28,680। 41,090 लेना था, 12,410 उसको देना था, तो नेट 28,680 लेना है। तो ये इतना अमाउंट माला अपने घर से लेकर आएगी बाय बैंक अकाउंट, ये हो जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। समझ में आ रहा है? इसी तरह से नीला का देखो, नीला से 66,980 लेना था, 740 भी लेना था, तो टोटल 67,720 लेना था नीला से, लेकिन कैपिटल का अमाउंट उसको देना है 8,650 और उसने जो 11,210 के क्रेडिटर्स को पे किया फॉर्म के बिहाफ पे वो देना है, तो यहाँ पर नेट उससे लेना है 47,860। तो इतना नीला घर से लेकर आएगा। ठीक है, अब काला का देखो, काला को हमें 80,620 देना है, माइनस 2,500 के उसने असेट्स लिए, माइनस 370 का लॉस बियर किया, तो नेट हमें 777,50 काला को देना है, तो इसलिए उसका अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा और उसको हम पे करेंगे टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो क्लियरली जैसा कि आप देख सकते हैं कि माला और नीला घर से लेकर आएंगे और काला को पेमेंट किया जाएगा।
ठीक है, क्योंकि उसका जो भी कैपिटल अमाउंट ड्यू आ रहा था उसके अकॉर्डिंग। ये हो गया आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। ठीक है, अब बैंक अकाउंट जल्दी से बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो, तो बैंक अकाउंट में कितना आपका पैसा पड़ा हुआ है वो देख लेते हैं। टोटल बैंक में है 1210, तो 1210 आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस बचा हुआ है। बस यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में देखो, बैंक में कुछ पैसा आ रहा है क्या? नहीं। बैंक से कुछ पैसा जा रहा है क्या? नहीं। ठीक है, तो सीधे सीधे जो आपके पार्टनर्स का एडजस्टमेंट है वही होगा। तो माला और नीला 28680, और नीला का अमाउंट है 47860। ये दोनों इतना घर से अपने पैसा लेकर आएंगे, ठीक है, क्योंकि इतना शॉर्टेज ऑफ कैपिटल हो रहा था। तो ये हम लिख लेंगे टू मालास कैपिटल अकाउंट, टू नीलास कैपिटल अकाउंट। और यहां पर काला को पे करेंगे कितना? 77,750 बाय कालास कैपिटल अकाउंट। चलिए, तो अब देख लेते हैं जितना पैसा आया उतना पैसा गया, हिसाब बराबर हो रहा है क्या? तो 1210 बैंक में था, 28680 माला लेकर आई, 47860 नीला लेकर आया, टोटल 777,750 आपके पास बैंक में पैसा था। और वो पूरा पैसा आपने किसको दे दिया? काला को देकर सब कुछ सेटलमेंट कर लिया। बस कहानी ख़त्म। तो ये आपका बैंक अकाउंट भी पूरा टैली हो गया। तो अब अगर आप बैलेंस शीट में देखो, नोटिस करोगे तो बैलेंस शीट के सारे असेट्स हमारे पार्टनर्स ने टेक ओवर कर चुके हैं। बैंक बैलेंस भी हमारा अब जीरो हो चुका है। कैपिटल अकाउंट्स में जो भी अमाउंट ड्यू आ रहा था या तो पार्टनर्स लेकर आए हैं या उनको पे कर दिया गया है। क्रेडिटर्स को भी हमने पे ऑफ कर दिया है। तो इस तरह से आपका पूरा डिसोल्यूशन का प्रोसेस, पूरी बैलेंस शीट खाली हो चुकी है। एक बार जल्दी से रिव्यू कर लो, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। कुछ भी डाउट हो इसमें तो एक बार पूछ लो। आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39, सृजन, रमन एंड मनन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तो तीन पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:2:1। ऑन 31 मार्च 2017 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। अब देखो, बैलेंस शीट दी हुई है, लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल दिए हुए हैं सृजन और रमन के, ठीक है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये तीनों ही आपकी क्या हो जाएंगी? आउटसाइड लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, तो उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में मारेंगे। कैपिटल मनन दिया है असेट साइड पे, इसका मतलब क्या है कि मनन का डेबिट बैलेंस रहा होगा, नेगेटिव बैलेंस रहा है कैपिटल का, ठीक है। प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज कचरा आइटम जिसको हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। चलिए, ऑन द अबव डेट दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। अब डिसोल्यूशन से रिलेटेड क्या क्या अग्रीमेंट्स हो रहे हैं देखो। सृजन वॉज अपॉइंटेड टू रियलाइज द असेट्स एंड डिस्चार्ज द लाइबिलिटीज। अब सृजन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भाई असेट्स को रियलाइज तुमको करना है और लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज करना है, ठीक है। इसका जिम्मेदारी सृजन की रहेगी। सृजन वॉज टू रिसीव 5% कमीशन ऑन सेल ऑफ असेट्स एक्सेप्ट कैश एंड वॉज टू बियर ऑल एक्सपेंसिस ऑफ रियलाइजेशन। तो फर्दर क्या अग्री किया गया कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा सृजन, उसके अगेंस्ट उसको 5% कमीशन दिया जाएगा। किस अमाउंट पे? जो सेल ऑफ असेट्स का टोटल अमाउंट, जितने में असेट्स आपके रियलाइज होंगे उस अमाउंट पे हम 5% से कमीशन कैलकुलेट करके सृजन को देंगे, ठीक है। लेकिन जो भी एक्सपेंसेस होते हैं रियलाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वो कौन बियर करेगा? वो सृजन बियर करेगा। तो यहाँ पर अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कुछ भी नीचे दिए हुए हैं वो उससे फर्म का कोई भी लेना देना नहीं है, तो फर्म अपने रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखेगी, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि पूरे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सृजन को ही बियर करने हैं। नेक्स्ट, असेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोज। अब देखो, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, आपके असेट्स रियलाइज हो गए, इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज हुए 95% ऑफ द बुक वैल्यू,
फर्म हैड टू पे 7500 फॉर एन आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल नॉट प्रोवाइडेड फॉर अर्लियर. एक कंटेंजेंट लाइबिलिटी थी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक हैड ऑल्सो मटेरियलाइज एंड हैड टू डिस्चार्ज फॉर 15,000. तो बेसिकली बिल डिसऑनर हो गया है यहाँ पर, उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा. एक्सपेंसेज ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू 3,000 वर पेड बाय सृजन. तो 3,000 रुपये के जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेज थे ये सृजन को ही बियर करने थे और उसी ने पे किए, तो हमें इससे मतलब नहीं है. ठीक है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. चलो तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं. जितने भी असेट्स हम ले जाकर रियलाइज करने वाले हैं उसको मारेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में. तो कैपिटल मनन, ये तो आपका असेट है नहीं, डेबिट साइड डेबिट बैलेंस है कैपिटल का. प्लांट, यस, तो प्लांट 2,20,000, इन्वेस्टमेंट्स 70,000. तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टू प्लांट अकाउंट 2,20,000, टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 70,000. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद स्टॉक 50,000, डेटर्स 60,000. टू स्टॉक अकाउंट 50,000, टू डेटर्स अकाउंट 60,000. नेक्स्ट इसके बाद बैंक 10,000. ठीक है, तो बैंक 10,000 जो है ये आपका क्या है, ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में, तो इसको आप कुछ भी नहीं करोगे, इसको रियलाइज नहीं कर सकते. प्रॉफिट एंड लॉस कचरा आइटम है, इसको हम राइट ऑफ करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में. ठीक है, अब आ जाते हैं लाइबिलिटी साइड पे. तो कैपिटल अकाउंट्स पार्टनर्स की इंटरनल लाइबिलिटी है. क्रेडिटर्स 75,000, बिल्स पेबल 40,000. बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 75,000. बाय बिल्स पेबल अकाउंट 40,000. नेक्स्ट इसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 35,000. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. चलो अब आगे देखते हैं हम. स्टेप वन हमारी कंप्लीट हो गई है, अब असेट्स रियलाइज होंगे और लाइबिलिटीज को पे करेंगे. तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है कि सृजन को अपॉइंट किया गया और उसको हमें कमीशन देना पड़ेगा. तो यहां पर क्लियरली कमीशन जो फर्म सृजन को देगी वो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, खर्चा, इसलिए यहाँ पर हम डेबिट साइड पे लिखेंगे. और किसको देना है, सृजन को, तो इसलिए हम टू सृजन्स कैपिटल अकाउंट लिख लेंगे. ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे कमीशन. अब वो कमीशन कैलकुलेट होगा जब हम असेट्स कितने रियलाइज कर रहे हैं उसके ऊपर 5% निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो अभी उसको हम बाद के लिए रखते हैं. अब असेट्स क्या क्या रियलाइज हो रहे हैं ध्यान से देखो. प्लांट 85,000, चलिए तो यहां पर हम एंट्री कर लेते हैं. बाय बैंक अकाउंट असेट्स रियलाइज्ड 85,000 में रियलाइज करवाया सृजन ने. नेक्स्ट स्टॉक 33,000 एंड डेटर्स 47,000. स्टॉक 33,000, डेटर्स 47,000. ठीक है, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स वर रियलाइज्ड एट 95% ऑफ द बुक वैल्यू. तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी थी, 70,000 थी. तो 70,000 में से सिर्फ 95% ही रियलाइज हुए, मतलब कितना हो जाएगा, 66,500. इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज हुए 66,500 में. ठीक है,
चलिए तो यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। डी पॉइंट क्या दिया गया है, फर्म हैड टू पे 7500 फॉर एन आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल नॉट प्रोवाइडेड फॉर अर्लियर। ठीक है, तो एक आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल था जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, बेसिकली रिकॉर्ड नहीं था बुक में, उसको हमें पे करना है। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को अब रिकॉर्ड करने बैठेंगे नहीं, डायरेक्टली रियलाइजेशन अकाउंट से रूट करके पे कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लाइबिलिटीज पेड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। तो आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल आपका कितना था, 7500। इसके बाद नेक्स्ट, अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक। तो बेसिकली क्या हुआ है, हमें एक पार्टी से पैसा लेना था, ठीक है, उसके अगेंस्ट क्या हुआ, हमने बिल्स रिसीवेबल इशू किया और उसने एक्सेप्ट किया कि ठीक है मैं इतने टाइम बाद आपको पेमेंट कर दूंगा, लेकिन हमें पैसों की ज़रूरत थी तो हम बैंक के पास गए वो बिल रिसीवेबल लेकर और हमने उसको डिस्काउंट कर दिया और बैंक को कहा कि ये जब पार्टी पे करेगी तो डायरेक्टली आपको पैसा दे देगी। लेकिन क्या हुआ, उस पार्टी ने धोखा दे दिया, उस एक्सेप्टर ने धोखा दे दिया, उसने पैसा नहीं दिया, तो क्या हुआ, बिल डिसऑनर हो गया। अब बैंक आके किसकी कॉलर पकड़ेगा, बैंक आके हमारी कॉलर पकड़ेगा कि आपने तो कहा था कि वो पैसा देगा लेकिन उसने नहीं दिया। तो क्लियरली बैंक क्या बोलेगा कि अब आप 15,000 दो, ठीक है, तो हमें ये 15,000 रुपये देना पड़ेगा और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। तो 15,000 हम यहाँ पर लिख लेते हैं पेमेंट करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर लिख लेते हैं डिसऑनर्ड बिल। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ये तो हमें बेयर करने नहीं है। अब एक बार ये चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी जितनी आउटसाइड लाइबिलिटीज थी वो डिस्चार्ज हो चुकी है। क्रेडिटर्स को अभी तक पेड करने का कुछ भी बोला नहीं गया है क्वेश्चन में, लेकिन हमें तो सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज डिस्चार्ज करनी है चाहे क्वेश्चन में दिया हो या नहीं दिया हो। तो हम यहाँ पे क्रेडिटर्स को 75,000 बुक वैल्यू पे कर देंगे। बिल्स पेबल भी आपको नहीं दिया है तो आप बिल्स पेबल भी पे करोगे, तो बिल्स पेबल कितना पे करोगे, 40,000, एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी भी पे करोगे, दैट इज 35,000। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज आपको डिस्चार्ज करनी है भले ही आपको क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो। चलो, तो सारे एडजस्टमेंट्स लेने के बाद अब टोटल कर लेते हैं कि हमने कितने अमाउंट की लाइबिलिटीज पे की है। 7500 प्लस 15,000 प्लस 75,000 प्लस 40,000 प्लस 35,000, तो ये हो जाएगा 1,72,500। और असेट्स कितने में रियलाइज हुए वो देख लेते हैं, 85,000 प्लस 33,000 प्लस 47,000 प्लस 66,500, तो ये हो जाएगा 2,31,500। तो जितने अमाउंट के असेट्स रियलाइज होंगे उस पर 5% कमीशन अब हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 2,31,500 में असेट्स रियलाइज हुए, उसका 5% एज प्रोमिस्ड हम सृजन को कमीशन देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2,31,500 पे 5% 11,575। इतना समझ में आ रहा है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि क्लियरली यहाँ पर बोला गया है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो हैं वो सृजन बेयर करेगा। तो सृजन बेयर करेगा तो हमारे लिए खर्चा नहीं है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में हम डेबिट नहीं करेंगे। और यहाँ पर पे भी सृजन कर रहा है, ठीक है, उसको बेयर भी करना है, पे भी करना है, वो पे भी कर रहा है, तो उससे हमें अब कोई भी दिक्कत नहीं है, उस ट्रांजैक्शन को हम इग्नोर करेंगे। चलो, अब हम क्लियरली क्या निकाल लेते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट में हमारा लॉस हुआ या गेन हुआ। तो एज यू कैन क्लियरली सी, हमारा डेबिट साइड ग्रेटर आ रहा है, ठीक है, तो 2,20,000 प्लस 70,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 11,575 प्लस 1,72,500, तो टोटल हो गया 5,84,075। आ रहा है समझ में, इसमें से माइनस करेंगे 75,000 माइनस 40,000 माइनस 35,000 माइनस 2,31,500, तो क्लियरली यहाँ पर हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 2,02,575। तो ये आ जाएगा आपका बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, क्योंकि डेबिट साइड इज ग्रेटर, ट्रांसफर्ड टू चलो, तो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। सृजन, रमन एंड मनन 2:2:1, तो यहाँ पर लिख लेते हैं
सृजन्स कैपिटल अकाउंट, रमन्स कैपिटल अकाउंट, एंड मनन्स कैपिटल अकाउंट। तो 2,02,575 को हम 2:2:1 के रेशियो में बांटते हैं तो हो जाएगा 2/5, कि दैट इज 81,030, 2/5 81,030 एंड 1/5 40,515। तो यहाँ आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट होता है। 2,02,575 देख लो आपका लॉस ऑन रियलाइजेशन आ गया बिल्कुल परफेक्टली। तो यहाँ पर जल्दी से रियलाइजेशन अकाउंट देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। बढ़े आगे, अब आ जाते हैं जल्दी से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पार्टनर्स के नाम, सृजन रमन एंड मनन। सृजन रमन एंड मनन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। चलो सारे एडजस्टमेंट्स के पहले इनके कैपिटल बैलेंसेस लिख लेते हैं। तो सृजन और रमन का दिया है 2 लाख और 1,50,000, दैट इज 3,50,000 हो जाएगा। तो दोनों के क्रेडिट बैलेंसेस दिए हैं तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 लाख और 1,50,000। लेकिन मनन का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है असेट साइड में, तो इसका ओपनिंग बैलेंस हमारा डेबिट साइड पर आ जाएगा 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो कितना दिया हुआ है मनन का कैपिटल देखो यहाँ पर 10,000, तो 10,000 डेबिट बैलेंस है मनन का, तो यहाँ पर लिख लेंगे 10,000, ठीक है। ये आपका हो गया एडजस्टमेंट। अब आ जाओ यहाँ पर बैलेंस शीट पे, और क्या रिलेटेड है जो पार्टनर्स में हमें मारना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 80,000 कचरा आइटम को हमें 2:2:1 के रेशियो में राइट ऑफ करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। 80,000 को का 2/5 कर लो, कितना हो गया 32,000, 32,000 एंड 1/5 हो जाएगा 16,000। तो ये आपने प्रॉफिट एंड लॉस राइट ऑफ कर लिया, ठीक है। इसके अलावा एक बार ध्यान से बैलेंस शीट देख लो, और कुछ आइटम है जो हमें पार्टनर्स में बांटना है, नहीं। तो यहाँ पर आ जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट पे डायरेक्टली, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में देखो, सृजन का कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट किया और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया है, मतलब 11,575 हमें सृजन को देना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 11,575 से सृजन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि उसको देना है हमें क्या, कमीशन। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख लेंगे कमीशन, ठीक है। इसके अलावा देखो और पार्टनर्स से रिलेटेड क्या चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पर अब डायरेक्टली लॉस ऑन रियलाइजेशन है जो दोनों तीनों पार्टनर्स में बांटेंगे, तो 81,030 एंड मनन 40,515। इस तरह से तीनों पार्टनर्स को लॉस ऑन रियलाइजेशन बेयर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस ऑन रियलाइजेशन। चलिए तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट्स होने थे वो हो गए। अब हम फाइनली निकाल लेते हैं कि पार्टनर्स को का कैपिटल अमाउंट पे कितना ड्यू बैलेंस आ रहा है। तो सृजन को 2 लाख रुपये उसका कैपिटल का देना है, प्लस 11,575 हमें देना है उसको कमीशन। तो टोटल हमें देना है 2,11,575, लेकिन उससे लेना है हमें माइनस 32,000, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस जो हमने राइट ऑफ किया, एंड माइनस जो लॉस ऑन रियलाइजेशन हुआ 81,030। तो नेट हमें उसको कितना देना है 98,545। तो ये अमाउंट जो है हम उसको बैंक के थ्रू पेमेंट कर देंगे,
और उसका अकाउंट सेटल करेंगे। तो टू बैंक अकाउंट हो गया और ये हो जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। क्लियर हो गया इतना। चलो, रमन को हमें देना था 1,50,000, ठीक है, लेकिन उससे लेना है 32,000 एंड 81,030। तो नेट उसको हमें देना है 36,970, जो उसको हम बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट करके खत्म करेंगे। ठीक है, अब क्लियरली एज यू कैन सी, मनन से हमें लेना है 10,000, जो डेबिट बैलेंस उसका कैपिटल का था, प्लस 16,000 का प्रॉफिट एंड लॉस राइट ऑफ किया एंड प्लस 40,515, और उसको देना हमें कुछ भी नहीं बनता है। तो पूरा का पूरा अमाउंट 66,515 जो है, ये हम मनन से लेंगे, मनन लेकर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो बैंक अकाउंट में पैसा लेकर आएगा बाय बैंक अकाउंट, ये हो जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। तो इस तरह से आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट होता है। देख लो, इसमें भी कोई डाउट हो तो पूछो, बहुत सिंपल था ये भी। चलिए, तो यहाँ पर देखो 98,545 सृजन को पे करेंगे, 36,970 रमन को पे करेंगे और मनन 66,515 लेकर आएगा। यही हमारा आंसर आया है। अब आगे बढ़ रहे हैं हम बैंक अकाउंट पे, तो यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस। तो बैंक अकाउंट हमारा निल हो जाना चाहिए क्योंकि डिसॉल्व कर रहे हैं हम फॉर्म को। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट देखो कितना था, बैंक में कितना बैलेंस था, 10,000 था। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और लिख लेते हैं 10,000। ठीक है, अब आ जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट पे। तो यहाँ पर आपके असेट्स रियलाइज हुए टोटल 2,31,500, तो आपके बैंक में इतना पैसा आया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2,31,500 और यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 रियलाइजेशन अकाउंट। असेट्स रियलाइज्ड, ठीक है, एंड देन पेमेंट किया हमने सारी लाइबिलिटीज को 172,500 में। तो हमारे बैंक से पैसा गया 172,500। यहां पर हम लिख लेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ये हो जाएगा आपका लाइबिलिटीज पेड। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट से आपके जितने भी बैंक अकाउंट की एंट्रीज रूट हो रही थी वो आपने ले ली। अब आ जाते हैं यहाँ पर बैंक अकाउंट में और कहाँ इम्पैक्ट आ रहा है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो सृजन और रमन को हम पेमेंट कर रहे हैं, पैसा जा रहा है, तो 98,545 बाय सृजन्स कैपिटल अकाउंट एंड रमन को भी पैसा दे रहे हैं तो बाय रमन्स कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा दे रहे हैं रमन को, 36,970 एंड मनन पैसा लेकर आ रहा है 66,515। तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा 66,515, यहाँ लिखेंगे 2 मनन्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से बैंक अकाउंट की एंट्रीज जहाँ जहाँ इम्पैक्ट हो रहा था वो हमने कंसिडर कर लिया है। अब फाइनली देखते हैं कि जितना पैसा था उतना पूरा खर्चा होके हमारा बैंक बैलेंस जीरो हो रहा है या नहीं। चलो, तो 10,000 बैलेंस था ऑलरेडी, 2,31,500 पैसा आया असेट्स को बेचकर, देन 66,515 मनन लेकर आया, तो टोटल आपके बैंक में पैसा आ गया 3,08,015। ठीक है, अब पैसा गया 172,500 लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने में एंड 98,545 सृजन को पे करने में एंड 36,970 रमन को पे करने में। तो अब आपका बैंक में कुछ भी बैलेंस नहीं बचा, तो क्लियरली इसका टोटल भी हो रहा है 3,08,015। तो क्लोजिंग बैलेंस आपका निल आ रहा है बैंक अकाउंट का भी। इस तरह से एक बार देखो बैलेंस शीट, आपके सारे आइटम्स जो हैं वो यहाँ पर निल हो चुके हैं। कैपिटल अकाउंट्स आपने सब सेटल ऑफ कर चुका है पेमेंट करके या लोगों से बुलवा कर जो भी ज़रूरत थी। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी सारी हमने पे ऑफ कर दी है, ठीक है। एंड असेट साइड में प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, ये सब आपके रियलाइज हो चुके हैं। बैंक अकाउंट आपका निल हो चुका है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप राइट ऑफ कर चुके हो। इस तरह से बैलेंस शीट आपकी पूरी जीरो हो चुकी है, खाली हो चुकी है। तो अब देख लो रियलाइजेशन अकाउंट,
या आपका डिसोल्यूशन का प्रोसेस यहाँ पर हो गया, फॉर्म डिसॉल्व हो गई है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। चलिए तो ये क्वेश्चन आज हमने जो तीन क्वेश्चंस डिस्कस किया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो फुल फ्लेज क्वेश्चंस थे डिसोल्यूशन से रिलेटेड, जिसमें आपको प्रॉपर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना था, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, हर जगह इम्पैक्ट दिखाना था, ये आई होप अच्छे से समझ में आया, ये कंप्लीट होता है। इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाकी के जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।